चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। चलो साइड हटो। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आनंदगढ़ की महारानी हैं। हमें अपना राजकाज चलाने के लिए एक राजकुमार की जरूरत है। सुनो सुनो, जरा ध्यान से सुनो। इस पेड़ पे जो मटका टंगा हुआ है, उसे आंखों में पट्टी बांध के डंडा मार के फोड़ना है। जिसने मटका फोड़ दिया वही आनंदगढ़ का प्रिंस होगा। उड़ी बाबा, मटका फोड़ने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, प्रिंस हम बनेगा। ओए कसम मेरे मरीजों की, प्रिंस तो मेरे जैसा तेज दिमाग वाला होना चाहिए। अरे माँ, तुम लोग क्यों लड़ता जी? The name is Chingam, प्रिंस Chingam, मैं ही बनूंगा प्रिंस। आपस में ही ख्याली पुलाव पका रहे हो, असली प्रिंस यहाँ है, उसको क्यों भूल रहे हो? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। जॉन, तुम डॉन ही ठीक लगते हो, प्रिंस तो मैं बनूंगा, क्यों बतलू? क्यों, मुझ में क्या बुराई है, मैं क्यों नहीं बन सकता? कंपटीशन शुरू किया जाए। चलो मटका फोड़ो। The name is Chingam, प्रिंस Chingam, मैं ही बनूंगा प्रिंस। मोटू हमेशा अमीर बनना चाहता है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। पहले मेरा दोस्त मोटू कोशिश करेगा। मोटू एक ही मौका मिलेगा, कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि मटका मेरे आगे है या पीछे। आइडिया, रानी साहिबा एक मिनट, ये मटका तो हवा से हिल रहा है। खुशबू खुशबू सूंघ के उड़ता जा तू यार, जहां से खुशबू आ रही दे डंडा तू मार रे मोटू, दे डंडा तू मार। खुशबू मुबारक हो मोटू, हमें तुम जैसे प्रिंस की ही तलाश थी, जो आंख बंद करके भी हमारा राजकाज चला सके। प्रिंस मोटू को राजमहल ले चलिए। पतलू चलो, अब हमारे गरीबी के दिन खत्म हो गए। महल में सिर्फ प्रिंस मोटू ही जाएंगे, कोई मामूली आदमी महल में नहीं जा सकता। ऑल द बेस्ट मोटू। साहबा, मुझे इतने मखमली कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जमीन पे लेट के सो गया था। क्या?